आपके ग्रुप को तो याद रहना बहुत स्वाभाविक है लेकिन शायद पत्रकार मन ये भी सोच सकता था और शायद सोचा होगा लेकिन बोलते नहीं होंगे कि क्या कारण होगा कि एक इंसान अपने कमिटमेंट के कारण इस समिट में इतने ही शांत मन से आया था और उसी समय वो किसी प्रक्रिया को दौड़ा रहा था और जो दूसरे दिन सुबह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन गई थी और मैं मानता हूँ जरूर आप लोग इसका एनालिसिस करेंगे और शायद वो 28 फरवरी थी 2019, और माहौल तो ऐसा ही था और मैं भी बहुत शांति से आप सबसे नमस्ते नमस्ते करके निकला था और भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी और वो एक दिन था और एक दिन आज है और आपने देखा होगा कि आतंक के सरगना हो या विकास और शांति की चाहत रखने वाले देश हो सब ने राइजिंग भारत अनुभव किया है ये नया भारत आतंक के जख्म को नहीं सहता है बल्कि आतंक के जख्म देने वालों को पूरी ताकत से सबक भी सिखाता है जो हमें आतंकी हमलों के जख्म देते थे उनकी क्या हालत है ये देशवासी भी देख रहे हैं और दुनिया भी देख रही है एक सुरक्षित राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र का आधार होता है और आज यही भारत की पहचान है और यही राइजिंग भारत है